नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीटी उषा को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी, बनेंगी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। आज से आयोजित होगा भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास। आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट का बचा हुआ सत्र आज होगा पूरा। कोर्ट ने दी है 3 तारीखें। अब खबरें विस्तार से। भारत की महान एथलीट पीटी उषा खेलों में बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। उनका भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष बनना करीब करीब तय है। बता दें कि 10 दिसंबर को IOA के चुनाव होने हैं, जिसके अध्यक्ष पद के लिए पीटी उषा अकेली उम्मीद है। अगर वह जीतती हैं तो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीटी उषा के नाम एशिया खेलों में 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक हैं। वह 1982, 1986, 1990 और 1994 एशियाई खेलों में पदक जीती थी। इसके अलावा उनके नाम एशियाई चैंपियनशिप में 14 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। 98 साल की पीटी उषा 1984 ओलंपिक के 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में 4th स्थान पर रही थी। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से राजस्थान में शुरू होगा, जिसे ऑस्ट्राहिन 22 नाम दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाराज फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। इसका उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना है। बता दें कि ऑस्ट्राहिंद पहला ऐसा अभ्यास है जिसमें सभी हथियारों और सेवाओं की भागीदारी शामिल है। इसके लिए सेकेंड कैटेगरी की 13वीं ब्रिगेड की सैनिकों वाली ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी राजस्थान पहुँच चुकी है। इसके अलावा यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट का बचा हुआ सत्र आज सोमवार को होगा, जिसे पूरा करने के लिए रोहिणी स्थित FSL से संपर्क साधा गया है। कोर्ट ने पुलिस को पॉलीग्राफी व नार्को टेस्ट करवाने के लिए 28, 29 नवंबर और 5 दिसंबर की तारीखें दी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आफ्ताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में शनिवार को तिहाड़ जेल भेजा गया है, जहां उसे जेल नंबर 4 के बैरक में 15 में रखा गया है। प्रशासन ने इस बात का ध्यान रखा है कि उसे अन्य कैदियों से अलग रखा जाए और उसकी सुरक्षा को लेकर भी कई इंतजाम किए गए हैं। एक कर्मचारी को निगरानी के लिए रखा गया है, साथ ही CCTV कैमरा से भी निगरानी की जा रही है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।